गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने जो बात करी थी, हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स जो वाली बुक है उसके टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो हमारी लास्ट क्लास का जो टॉपिक था उसमें हमने जनरल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करी थी कि किस तरीके से लार्वा फॉर्म होती है, इट मीन्स लार्वा क्या होती है, जब एम्ब्रियो फॉर्म्ड होता है तो एम्ब्रियो से किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। और जो हमारा टॉपिक रिलेटेड था वो क्या है कि जो इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल हैं उनमें कौन कौन से लार्वा पाए जाते हैं, यानी कि हमको यहाँ ये जो टॉपिक है उसमें क्या पढ़ना है कि इन्वर्टिब्रेट्स के जितने भी फाइलम्स होते हैं उन फाइलम में कौन कौन से लार्वा स्टेजेस पाई जाती हैं। अब यहाँ जब हम इन्वर्टिब्रेट्स से स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको लास्ट क्लास में हर फाइलम के लार्वा के नेम बताए थे, उन लार्वा को हम यहाँ डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा फाइलम आता है दैट इज द फाइलम पॉरीफेरा। फर्स्ट जो हमारा फाइलम आता है वो कौन सा फाइलम आता है, पॉरीफेरा फाइलम आता है। और यहाँ हम जब पॉरीफेरा फाइलम की बात करते हैं तो यहाँ इन एनिमल्स में जनरली टू टाइप का लार्वा स्पेशल पाया जाता है, फर्स्ट इज द एम्फीब्लास्टुला एंड सेकेंड इज द पैरेन्काइम्यूला लार्वा। पहला कौन सा है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा एंड सेकेंड जो है पैरेन्काइम्यूला लार्वा। ये दोनों ही लार्वा स्टेज किसकी स्पेशलिटीज हैं, फाइलम पॉरीफेरा की स्पेशलिटीज होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एम्फीब्लास्टुला, तो एम्फीब्लास्टुला जो लार्वा होता है इसमें क्या होता है, ये जो लार्वा स्टेज जनरली प्रेजेंट होती है ये पाई जाती है साइकन में, यानी कि जो कैल्केरियन एनिमल्स होते हैं, कैल्केरिया के जो मेंबर होते हैं उनमें जो लार्वा पाया जाता है दैट इज नोन एज द एम्फीब्लास्टुला। क्या नोन करते हैं हम उसे, एम्फीब्लास्टुला कहते हैं। और जनरली ये किसमें मिलता है, साइकन या स्काइपा में पाया जाता है। अब इस लार्वा की जनरली अगर हम बात करें तो लार्वा में क्या होता है कि जो लार्वा होता है एक मतलब कि डिफरेंशिएटेड अलग से स्ट्रक्चर्स होती हैं, हम ओवल शेप कह सकते हैं। और इस ओवल शेप में क्या होती है, जो लार्वा है उसमें टू टाइप्स की सेल प्रेजेंटेड होती है। टू टाइप की सेल्स में क्या होती है कि अपर साइड की जो सेल्स होती हैं वो शॉर्ट होती है, यानी कि एक तरीके से हम कहते हैं माइक्रो सेल्स कह सकते हैं इन्हें कि माइक्रोमियर्स होती हैं। और ये सेल्स कैसी होती हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं। जबकि जो लोअर साइड की यानी कि अगर हम कहें बॉटम की जो सेल्स होती हैं दीज आर नोन एज द माइक्रो मैक्रोमियर। यानी कि यहाँ जब हम एम्फीब्लास्टुला लार्वा की बात कर रहे हैं तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा में क्या होता है कि टू डिस्टिंक्ट एरिया होते हैं, एक अपर एरिया एंड द लोअर एरिया। द अपर साइड एरिया सेल्स आर द माइक्रोमियर नोन एज द माइक्रोमियर्स एंड द लोअर साइड सेल्स आर नोन एज द मैक्रोमियर्स। यानी कि अपर साइड की जो सेल्स होती हैं वो स्मॉल होती हैं और लोअर साइड की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, साइज में बिग होती हैं। जो अपर साइड की सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, फ्लैजिलेटेड, यानी कि अपर साइड पर जो सेल प्रेजेंट होती हैं वो कैसी हैं, स्मॉल है, मैनी इन नंबर। क्या होंगी कि साइज में स्मॉल होंगी, मैनी इन नंबर यानी कि बहुत सारी होंगी एंड दे हैव अ सीलिया, इट मीन्स ईच ऑफ द सेल इज कंटेनिंग द सीलिया। एंड अगर हम बात करते हैं नीचे लोअर की तो ये कैसा होता है, दैट इज द लोअर साइड की जो सेल्स होती हैं दीज आर नॉन फ्लैजिलेटेड। कैसी हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड हैं और क्या होती हैं, साइज में बिग हैं। तो क्या नोन करते हैं हम इनको, मैक्रोमियर्स, ठीक है। एंड दीज आर नॉट फ्लैजिलेटेड, साइज में बिग हैं, नंबर में लेस हैं और कैसी होती हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड सेल होती हैं। अब जनरली अगर हम एम्फीब्लास्टुला की बात करते हैं तो जो एम्फीब्लास्टुला लार्वा होता है ये कैसे प्रेजेंट होता है, जनरली कि ये एक फ्री लिविंग लार्वा है। कैसा है, फ्री लिविंग है। जबकि अगर हम साइकन की बात करते हैं वो कैसा एनिमल है, सेसाइल है, यानी कि फिक्स पोजिशन वाला एनिमल होता है। तो इसकी लार्वा फॉर्म क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। यही बात हमने इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में कही थी कि जिन भी एनिमल में क्या मिलता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है, इट मीन्स लार्वा मिलता है, तो लार्वा जो होता है वो नेचर में अपने जो अडल्ट एनिमल है उससे क्या होता है, डिफरेंशिएटेड होता है। तो यहाँ एम्फीब्लास्टुला जो लार्वा है वो कैसा है, एक फ्री लिविंग है बट इट इज नॉट केपेबल फॉर फीडिंग, लेकिन ये फीड नहीं करता, यानी कि क्या न्यूट्रिशन नहीं लेता। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ 24 आवर्स, 24 आवर्स में ये क्या होता है, स्टार्ट कन्वर्टिंग इन टू द अडल्ट। 24 आवर्स के बाद यह क्या होता है, एडल्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट
हो जाता है. तो फर्स्ट लार्वा इज नोन एज द एम्फीब्लास्टुला विच इज फाउंड इन द फाइलम पोरीफेरा एंड इन द साइकन. ठीक है, तो फर्स्ट लार्वा कौन सा है हमारा, एम्फीब्लास्टुला. एक बार फिर से देखते हैं कि एम्फीब्लास्टुला जो लार्वा होता है उसमें क्या होती है कि जो सेल होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल जो लार्वा है उसके टू डिस्टिंक्ट एरियाज हो जाते हैं, अपर साइड एंड लोअर साइड. अपर साइड पर जो सेल्स होती हैं दीज आर नोन एज माइक्रोमीयर्स बिकॉज दे आर स्मॉलर इन साइज. कैसी हैं, स्मॉल साइज में हैं, मेनी इन नंबर, बहुत सारी हैं एंड ऑल सेल्स आर द फ्लैजेलेटेड. एंड द लोअर साइड ऑफ सेल्स आर नोन एज मैक्रोमियर्स बिकॉज दे आर इन बिग इन साइज, दे आर नॉट फ्लैजेलेटेड एंड लेस इन नंबर. अगर हम नेचर्स की बात करते हैं तो जो एम्फीब्लास्टुला है इट इज अ सेसाइल बट इट इज नॉट कैपेबल फॉर द फीडिंग, वो फीडिंग के लिए कैपेबल नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा लार्वा आता है दैट इज द पेरेंट कैनुला लार्वा. इट इज ऑल्सो द लार्वा ऑफ फाइलम पॉडिफेरा. कौन से फाइलम का है, पॉडिफेरा का है. यानी कि कैल्केरिया के बाद जो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे अगर हम बात करते हैं हेक्सेक्टेनिलिडा हो गया, डेमोस्पॉन्जिया हो गया, तो ये हेक्सेक्टेनिलिडा और डेमोस्पॉन्जिया के जो मेंबर हैं उनमें जनरली जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा लार्वा है, दैट इज द पेरेन्काइम्युला लार्वा. और ये जो पेरेन्काइम्युला लार्वा होता है इट इज अ हैविंग अ न्यूमरस फ्लैजेला, यानी कि इट्स बॉडी इज कवर्ड बाय अ बहुत सारे न्यूमरस सीलियास के थ्रू ये क्या होता है, कवर्ड होता है. यानी कि पूरी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलियास प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये दो लार्वा हैं जो कि जनरली किसमें प्रेजेंट पाए जाते हैं, एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेन्काइम्युला. अब देखो कुछ बुक्स में हमको जनरली सीलियोब्लास्टुला भी लिखा हुआ मिलता है. तो सीलियोब्लास्टुला जो है वो कुछ एनिमल्स यानी कि कैल्केरिया फाइलम जो होता है उस कैल्केरिया फाइलम की ही सॉरी जो कैल्केरिया क्लास होती है उसके कुछ मेंबर में पाया जाता है एंड इट इज जस्ट सिमिलर टू द एम्फीब्लास्टुला. ये कैसा है, एम्फीब्लास्टुला के सिमिलर ही होता है बट क्या होता है, थोड़ा अपोजिट है. अपोजिट से मींस कि इनमें जो बिग साइज की सेल्स होती हैं वो अपर साइड होती हैं और जो स्मॉलर साइज की जो सेल्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती है, लोअर साइड पर प्रेजेंट होती हैं. अदरवाइज द अदर ऑल स्ट्रक्चर्स आर द सेम. तो मोस्टली जो पाया जाता है वो कौन सा है, एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेन्काइम्युला. सीलियोब्लास्टुला जो है वो जनरली क्या होता है, कुछ कैल्केरिया के एनिमल्स में प्रेजेंट होता है एंड इट इज अ अपोजिट स्ट्रक्चर ऑफ द एम्फीब्लास्टुला लार्वा. एम्फीब्लास्टुला की जस्ट अपोजिट स्ट्रक्चर है कि अपर साइड मैक्रोमियर्स होंगी, लोअर साइड क्या होंगी, माइक्रोमियर्स सेल्स होंगी. तो ये हमारा कौन सा आता है, फर्स्ट फाइलम पॉडिफेरा. नेक्स्ट जो बात करते हैं वो हमारा सेकेंड फाइलम आता है, फाइलम निजेरिया. निजेरिया या हम बात करते हैं सिलेंट्रेटा एनिमल्स में, तो सिलेंट्रेटा में जैसे हमारे क्या हो गया, जेलीफिश हो गया, ऑरिलिया, सी एनिमोन. इन एनिमल्स में जो पाया जाता है इनमें भी क्या पाया जाता है, दैट इज द लार्वा स्टेज. यानी कि यहाँ पर भी क्या पाई जाती है, लार्वा पाई जाती है. एंड इन दिस फाइलम द प्लेन्युला और प्लेन्युली यानी कि इसका जो नेम है वो क्या है, प्लेन्युला और प्लेन्युली लार्वा इज फाउंड. इट इज अ सिलेंड्रिकल एंड एक्ट शेप्ड बॉडी. यानी कि जो एनिमल है या हम कह सकते हैं लार्वा है वो कैसा होता है, या तो सिलेंड्रिकल बॉडी होता है या एग शेप्ड होता है. और इसकी पूरी बॉडी पर भी क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं एंड ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ दी सीलिया दिस लार्वा कैन बी मूव इन वॉटर. क्योंकि जो सिलेंड्रिक एनिमल्स है वो कैसे होते हैं, मैरिनेटिक है, एक्वेटिक एनिमल है. तो एक्वेटिक एनिमल होने के साथ साथ क्या होते हैं, इनमें लोकोमोशन प्रेजेंट है. तो बट जो अगर हम बात करते हैं अडल्ट, दे आर द फिक्स्ड पोजीशन एनिमल. अडल्ट कैसे हैं, फिक्स्ड पोजीशन एनिमल है. बट लार्वा क्या है, इट कैन बी अ फ्री स्विमिंग यानी कि कैसा हो सकता है, फ्री लिविंग एनिमल है. तो इनमें जनरली अगर हम बात करते हैं तो सिलेंट्रेटा के जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स में क्या मिल रहा है, प्लेन्युला लार्वा पाया जाता है. अब प्लेनुला जो लार्वा है वो कैसा है, जैसे अभी हमने बात करा पेरेन्काइम्युला साइकिल में जो हमने पेरेन्काइम्युला लार्वा बात करा, सिमिलरली उसके जैसे ही क्या होता है, प्लेनुला लार्वा प्रेजेंट होता है. अगर हम इसका देखो डायग्रामेटिकली अगर हम देखना चाहें तो जनरली किसमें मिलता है, जैसे सी एनिमोन हुआ जिसे हम मेट्रिडियम भी कहते हैं, मेट्रिडियम के लाइफ साइकिल में क्या पाया जाता है, प्लेनुला लार्वा पाया जाता है.
देखो दैट इज अ प्लेन्यूला लार्वा। अब प्लेन्यूला लार्वा क्या है, ये किसका है, ये स्पेशलिटीज है हमारे फाइलम सिलेंट्रेटा की, यानी कि कुछ ही एनिमल में जनरली ये प्रेजेंट होता है। और पूरी जो बॉडी होती है वो एंटायर बॉडी क्या होती है, किससे कवर्ड होती है, सीलिया से कवर्ड होती है। इट मीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दी सीलिया जो लार्वा है वो कैसा है, प्री लिविंग है। एनिमल कैसा है, फिक्स पोजिशन, जबकि लार्वा स्टेट कैसी होती है, प्री लिविंग लार्वा होती है। और ये क्या कर सकता है, जो प्लेनुला लार्वा होता है इसमें ब्लास्टोकोर प्रेजेंट होता है, और ये क्या होता है, फीडिंग भी कर सकता है। जो लार्वा है वो क्या कर सकता है, फीडिंग भी कर सकता है, यानी कि फीड करने के बाद क्या करता है, ग्रो करता है। तो हमने यहाँ पर अभी जो लार्वा पढ़ा वो कौन कौन सा है, फर्स्ट इज द फाइलम पॉडिफेरा एंड सेकेंड इज द फाइलम जो आता है वो हमारा क्या जाता है, सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो फाइलम आता है वो आता है हमारा फाइलम एनिलिडा। अब देखो फाइलम एनिलिडा की जब हम बात कर रहे हैं तो फाइलम एनिलिडा में जो होता है वो केवल एक ही क्लास है जिसमें जनरली क्या मिलता है, लार्वा प्रेजेंट होता है। एंड इट्स लार्वा इज नोन एज द ट्रोकोफोर लार्वा। इसका जो लार्वा होता है इट इज अ इम्पॉर्टेंट एंड नोन एज द ट्रोकोफोर आइदर अ ट्रोको स्पीयर। तो ये किसमें प्रेजेंट होता है, ये जनरली पाया जाता है क्लास पॉलीकिटा में। देखो जो फाइलम एनिलिडा है उसकी तीन क्लासेस हम पढ़ते हैं, पॉलीकिटा, ऑलिगोकिटा एंड हिरुडीनिया। तो फाइलम जो फर्स्ट हमारी क्लास आती है पॉलीकिटा, तो पॉलीकिटा के मेंबर ही हैं जिनमें क्या पाई जाती है, लार्वा स्टेज पाई जाती है, जैसे अगर हम बात करें नेरिस। अगर हम बात करते हैं ऑलिगोकिटा एंड हिरुडीनिया की, तो इनमें लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती है, इनमें डायरेक्टली एनिमल बनता है, जैसे अर्थवर्म में डायरेक्ट अर्थवर्म बनता है, जो लीच होता है, जॉक है, उसमें डायरेक्टली क्या बनता है, लीच ही बनता है। तो हमारा जो लार्वा आता है एनिलिडा में दैट इज नोन एज अ ट्रोकोफोर लार्वा। अब देखो ये जो ट्रोकोफोर लार्वा है इट इज नॉट ओनली द लार्वा ऑफ एनिलिडा, केवल एनिलिडा का नहीं है, ये किसमें भी प्रेजेंट होता है, ये सम मोलस्कन एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जनरली अगर हम बात करें एनिलिडा में भी क्या होगा, एनिलिडा में केवल किसमें प्रेजेंट होता है, जो फर्स्ट हमारी क्लास होती है पॉलीकिटा उसमें प्रेजेंट होता है। अब देखो ये लार्वा कैसा है, इट इज अ प्री लिविंग, जो लार्वा है स्विमिंग यानी कि प्री स्विमिंग करने वाला लार्वा होता है। एंड इट इज अ स्मॉल ट्रांसल्यूसेंट स्पेरिकल और पियर शेप, कैसा होता है, स्मॉल है साइज में, ट्रांसल्यूसेंट इट मीन्स कैसा होता है, हम इसको ट्रांसपेरेंट भी नहीं कह सकते, सेमी ट्रांसपेरेंट है, जिसको हम बोलते हैं अल्प पारदर्शी, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट है, स्पेरिकल और पियर शेप, या तो कैसा हो सकता है, स्पेरिकल शेप में आइदर अ पियर शेप होगा। एंड आर ग्रेडल बाय अ रिंग ऑफ सीलिया, ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि क्या होता है, रिंग ऑफ सीलिया से कवर्ड होता है। देखो पूरी बॉडी पे जनरली अगर हम बात करें ये क्या प्रेजेंट है, इसमें सीलिया है, यहाँ पर इसमें क्या प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर भी इसमें इंटरनली सीलिया प्रेजेंट है, और ऊपर भी क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है। सो इट इज अ ग्रिडल बाय अ रिंग ऑफ सीलिया, यानी कि पूरी बॉडी पर क्या होते हैं, जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं। एंड दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस लार्वा, ये क्या है, पूरी जो लार्वा है उसकी स्पेशलिटी है। देखो जनरली अगर हमने अभी तक जितने भी फाइलम्स के बारे में बात करी है, चाहे हम पॉरीफेरा की बात कर रहे हैं, सिलेंट्रेटा की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमने एनिलेडा लिया है, तो यहाँ हमने हर लार्वा में क्या देखी है, सीलियाज देखे हैं। तो ये सीलिया क्या करती हैं, ये सीलिया आर हेल्पिंग द एनिमल फॉर द लोकोमोशन, ये सीलिया क्या कर रहे हैं, ये सीलिया हेल्प कर रहे हैं फॉर द लोकोमोशन ऑफ एनिमल, एनिमल को लोकोमोट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो एक तरीके से क्या है कि हर लार्वा जो है वो कैसा है, मूवेबल है, लोकोमोट कर सकता है, बट फीडिंग जो होगी वो डिपेंड करेगी कि वो किस फाइलम का है। डिपेंडेशन क्या होगा कि हर जो फाइलम है उस फाइलम में डिफरेंशिएटेड लार्वा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, ठीक है। हर जो एनिमल होगा उसमें क्या मिलेगी,
डिफरेंशिएटेड लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगी। तो अब एक हम जो बात कर रहे हैं वो दैट इज द एनेलिडा। अब हमने देखो एक पैलम बीच में छोड़ा है, जैसे अगर हम ये बात करते हैं सिक्वेंसली, फर्स्ट आता है पॉरीफेरा, फिर आता है सिलेंट्रेटा, नेक्स्ट आते हैं हमारे प्लेटी हेलमेंटीज। तो प्लेटी हेलमेंटीज के दो एनिमल हैं फेसियोला और टीनिया सोलियम, दोनों कैसे हैं पैरासाइटिक। तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द फ्री लिविंग लार्वा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, इन्वर्टिब्रेट फ्री लिविंग लार्वा, यानी कि जो फ्री लिविंग जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो लार्वा प्रेजेंट है उनके बारे में। तो हम पहले उन लार्वा के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो कि कैसे प्रेजेंट है, फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात जो करेंगे, जैसे हमने बात करी प्लेटी हेलमेंटीज हो गया, या हम बात करते हैं ऑर्थोपोडा हो गया और इकानोडर्मेटा हो गया, इन तीनों ही फाइलम को हम सेपरेटली एक एक अलग क्लास में डिफाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो फाइलम है, यह हम बात करते हैं इन फाइलम में बहुत सारे लार्वा पाए जाते हैं। यहाँ अभी तक तो हमने क्या देखा है कि वन या टू लार्वा के बारे में स्टडी करी है, जबकि अगर हम पेसियोला की बात करें उसके खुद के इटसेल्फली फाइव लार्वा हैं। अगर हम टीनिया की बात करें उसमें भी 3-4 लार्वा प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ऑर्थोपोडा की बात करते हैं तो ऑर्थोपोडा में जो क्रस्टेशिया आते हैं, क्रस्टेशिया में मेनी नंबर ऑफ लार्वा प्रेजेंट है। और साथ के साथ जब हम इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं तो इकाइनोडर्मेटा में भी क्या है, बहुत सारे डिफरेंट लार्वा प्रेजेंट है। तो यहाँ अभी हम केवल उन क्लासेस के बारे में या उन फाइलम्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं जिनमें वन या टू लार्वा ही पाए जाते हैं, ठीक है। जो हमारी बाकी जो फाइलम्स होंगी उनकी हम सेपरेट क्लास में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से लार्वा प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा लार्वा क्या है, फाइलम एनेलिडा में जो जनरली प्रेजेंट होता है दैट इज अ ट्रोकोफोर आइदर अ ट्रोकोस्फियर लार्वा। ये जो लार्वा है फाइलम एनेलिडा के साथ साथ किसमें प्रेजेंट होता है, इन सब मोलस्कन एनिमल्स में भी ये प्रेजेंट होता है। कैसा है ये, स्मॉल है, ट्रांसल्यूसेंट है, स्फेरिकल एंड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, और साथ के साथ क्या होता है, गर्डल ऑफ रिंग ऑफ सीलिया, यानी कि पूरी जो लार्वा है उस पर क्या होते हैं, बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होता है। और साथ के साथ ये कैसा है, पेलेजिक नेचर का होता है, यानी कि जो सैंडी एरिया होता है वहां पर ये जनरली प्रेजेंट होता है। अगर हम एक वेल डेवलप्ड ट्रोकोफोर लार्वा की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि इसके एपिकल एरिया पर ये क्या आता है, दैट इज इट्स एपिकल एरिया, ठीक है। जो वेल डेवलप्ड ट्रोकोफोर लार्वा होता है उसमें क्या होता है, अपर साइड का क्या होता है, दैट इज द एपिकल एरिया एंड दैट इज द पोस्टीरियर एरिया। ये जो होता है नीचे का पोस्टीरियर एरिया है एंड दैट इज द एपिकल एरिया। इस एपिकल एरिया पे क्या होते हैं, देयर हैज अ टफ्ट ऑफ सीलिया, क्या प्रेजेंट होते हैं, टफ्ट ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो एपिकल एरिया पर क्या होते हैं, एक क्या प्रेजेंट होता है, सेंसरी एपिकल ऑर्गन। क्या है ये जो पूरा का पूरा आता है ये सेंसरी एपिकल ऑर्गन होता है, और इस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, टफ्ट ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। पूरे के ऊपर क्या होते हैं, यानी कि सीलिया का एक तरीके से क्या होता है, गुच्छा होता है। टफ्ट ऑफ सीलिया का मतलब यानी कि बहुत सारे सीलिया एक साथ कलेक्टेड होते हैं तो उसको बोल देते हैं टफ्ट ऑफ सीलिया, यानी कि सीलिया का गुच्छा। तो क्या प्रेजेंट होता है, टफ्ट ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब इस टफ्ट ऑफ सीलिया के नीचे ही क्या होता है, रुमिडेंट प्रेजेंट होता है, किसका, गैंग्लियन का। इस टफ्ट ऑफ सीलिया के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, रुमिडेंट प्रेजेंट होता है ऑफ द गैंग्लियन विच विल बी फॉर्म्ड अ ब्रेन, जो फ्यूचर में क्या डेवलप करता है, ब्रेन का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। सो हम फिर से एक स्टडी करते हैं, दैट इज द एपिकल रीजन ऑफ दिस लार्वा। इस एपिकल सेंसरी रीजन पे क्या होते हैं, टफ्ट ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, एंड बिलो द टफ्ट ऑफ सीलिया देयर हैज अ रूडिमेंट, क्या प्रेजेंट होते हैं, जो रूडिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। रूडिमेंट्स का मींस क्या होता है, अवशेष, कि अवशेष नुमा जो स्ट्रक्चर होती है उसमें फिर क्या प्रेजेंट होता है, गैंग्लियन, एंड दिस गैंग्लियन विल बी फॉर्म द ब्रेन ऑफ दिस एनिमल। यहाँ क्या है, एपिकल एरिया में क्या प्रेजेंट होते हैं, आई प्रेजेंट होती है। फिर बिलो ऑफ एपिकल एरिया ये क्या प्रेजेंट है, माउथ, एंड इन अ लोअर साइड दैट इज द एनस, यानी कि अगर हम एक वेल डेवलप ट्रोकोफोर लार्वा की बात करते हैं तो इसमें क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल एक डेवलप कंडीशन में है, और तथा एलिमेंट्री कैनाल में क्या होती है,
सभी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी. इट मीन्स क्या प्रेजेंट होगी, माउथ भी है, स्टमक भी है, इंटेस्टाइन भी है और एनस भी है. देखो माउथ भी प्रेजेंट है, स्टमक प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट है, यानी कि ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स आर प्रेजेंट. अब देखो इसमें साथ साथ क्या होता है, जो इसकी इक्वेटर लाइन होती है, ये अगर हम बात करते हैं दैट इज द इक्वेटर लाइन. इक्वेटर लाइन क्या कर रही है कि जो इस लार्वा है इसको टू एरियाज में डिवाइड कर रही है, दैट इज द एपिकल एरिया एंड दैट इज द पोस्टीरियर एरिया. तो जो एपिकल एरिया होती है उस पर क्या होती है, सीलिएटेड जो होती है, क्या प्रेजेंट होती है, प्री ओरल गिर्डल्स. ये क्या है, प्री ओरल गिर्डल्स प्रेजेंट है. ये मैंने यहाँ पर ये जो लाइन बनाई है दैट इज अ प्री ओरल गिर्डल एंड दैट इज अ पोस्ट ओरल गिर्डल्स, यानी कि ओरल एरिया को टू ए पार्ट्स में डिवाइड करने वाली एक सीलिएटेड स्ट्रक्चर है. इनको हम जनरली क्या बोलते हैं, प्री ओरल सीलिएटेड बेंड्स भी कह सकते हैं, और नीचे के जो होते हैं दैट इज द पोस्ट ओरल सीलिएटेड बेंड. ये क्या कर रहे हैं, जो इसका ओरल एरिया है यानी कि जो माउथ एरिया है उसको टू एरियाज में डिवाइड कर रहे हैं, प्री ओरल एंड पोस्ट ओरल. तो ये जो इसका प्री ओरल एरिया होता है इट इज अ सीलिएटेड बेंड. कैसा है, यानी कि पूरी की पूरी जो लाइनिंग है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं. एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द प्रोटोकॉर्च. क्या बोलते हैं इसको, हम प्रोटोकॉर्च कहते हैं. फिर से बात कर रहे हैं दैट टू द इक्वेटर लाइन ऑफ दिस लार्वा. अगर हम बात कर रहे हैं दैट इज इट इज द इक्वेटर लाइन. इस इक्वेटर लाइन की क्या होती है, अपर साइड एंड लोअर साइड क्या प्रेजेंट है, देयर हैज अ प्री ओरल सीलिएटेड बेंड. क्या प्रेजेंट है, प्री ओरल सीलिएटेड बेंड प्रेजेंट है. अपर साइड ली तो प्री ओरल सीलिएटेड बेंड है, और लोअर साइड क्या प्रेजेंट है, पोस्ट ओरल सीलिएटेड बेंड. यानी कि पूरी जो सीलिएटेड स्ट्रक्चर है उस पर क्या है, या बेंड है उस पर क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट है. अब इनको बोलते क्या है, जो अपर साइड है उसको हम बोलते हैं प्रोटोटॉर्च, और जो लोअर साइड है उसको हम क्या बोल देते हैं, मेटाटॉर्च बोलते हैं. तो इनसे होता क्या है, ये एक तरीके से क्या करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं ये एक तरीके से जो एनिमल है उसको फीडिंग करने और साथ के साथ क्या करते हैं, लोकोमोशन करने में हेल्प करती हैं. ये जो प्रोटोटॉर्च और मेटाटॉर्च जो स्ट्रक्चर्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये एनिमल को लोकोमोशन में और साथ के साथ क्या करती हैं, जो फीडिंग करने हैं फीडिंग में हेल्प करती हैं. अब अगर हमने और क्या बात करी कि जो ट्रोकोपोर लार्वा होता है उसमें क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप कंडीशन में प्रेजेंट होती है. पूरी वेल डेवलप कंडीशन में क्या मिलती है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल मिलेगी, यानी कि क्या प्रेजेंट होगा, माउथ है, स्टमक है, ईसोफेगस है, इंटेस्टाइन है, एनस है, सभी स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है. अब लार्वा क्या होता है, जो ट्रोकोपोर लार्वा है वो क्या करता है, जो मैराइन वाटर है उसमें स्विम कर सकता है, यानी कि मूवेबल है, और मूव करने के बाद ये क्या करता है, कन्वर्ट होता है जो अपनी नेक्स्ट अडल्ट स्टेज है यानी कि एनिमल में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग जाता है. ठीक है, तो ये कौन सा लार्वा है, दैट इज द ट्रोकोफोर लार्वा, आइदर ट्रोकोस्फियर लार्वा. क्लियर है, क्या क्या प्रेजेंट है इसमें, कि जो ट्रोकोफोर या ट्रोकोस्फियर लार्वा है स्फेरिकल शेप या पियर शेप्ड का होता है, और पूरी बॉडी पर क्या प्रेजेंट होते हैं, गर्डल्स ऑफ या हम कह सकते हैं रिंग ऑफ सीलिया प्रेजेंट होती है. अपर साइड भी है, मिड साइड भी है, लोअर साइड भी, इनर साइड भी, सब जगह क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट होती है. जो वेल डेवलप लार्वा होता है उसमें अपर साइड क्या आ जाता है, सेंसरी एपिकल ऑर्गन, यानी कि यहाँ पर ये क्या आ जाता है, दैट इज अ सेंसरी एपिकल ऑर्गन, और सेंसरी एपिकल ऑर्गन पर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया का टफ्ट प्रेजेंट है, यानी कि गुच्छा प्रेजेंट है, किसका, सीलिया का, और उसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, रूमिडेंट ऑफ गैंग्लियन. ये रूमिडेंट ऑफ गैंग्लियन फ्यूचर में क्या डेवलप करेगा, दैट इज डेवलपिंग द ब्रेन. अब इसके बाद इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इस एपिकल ऑर्गन के, यानी कि ये एपिकल ऑर्गन के साथ ही क्या प्रेजेंट होता है, कि जब इस लार्वा को इक्वेटोर से इक्वेटोरियल आकर हम डिवाइड करते हैं तो टू बैंड्स प्रेजेंट है. ऊपर का जो बैंड होता है उसको प्री ओरल सीलिएटेड बैंड कहते हैं, और जो लोअर साइड का उसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट ओरल सीलिएटेड बैंड. इनका जनरली नेम क्या है, प्रोटोटॉर्च और मेटाटॉर्च.
दोनों क्या हेल्प करते हैं कि एनिमल को लोकोमोशन करने में और फीडिंग करने में हेल्प करते हैं। जो वेल डेवलप्ड लार्वा होता है उसमें एलिमेंट्री कैनाल भी क्या है, वेल डेवलप्ड है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की हर स्ट्रक्चर इसमें जनरली प्रेजेंट होती है। अब एनिलिडा के बाद हम बात करते हैं ऑर्थोपोडा। तो ऑर्थोपोडा के बारे में मैंने आपको क्या बोला कि ऑर्थोपोडा जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में हम जो स्टडी करेंगे वो हम सेपरेट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट जो आता है हमारा, दैट इज द फाइलम मोलस्का। अब फाइलम मोलस्का में जब हम बात कर रहे हैं तो फाइलम मोलस्का में क्या मिल रहा है कि हमने बात करी इसमें ट्रोकोफोर लार्वा भी मिलता है, साथ के साथ क्या मिलता है इसमें वेलिजर और ग्लोकीडियम लार्वा। टू लार्वाज मिल रहे हैं, एक मिल रहा है वेलिजर लार्वा और दूसरा क्या मिलता है ग्लोकीडियम लार्वा। देखो ये जो वेलिजर लार्वा होता है इट फॉर्म्ड बाय द डेवलपमेंट, यानी कि जो ट्रोकोफोर लार्वा है इट्स कन्वर्टिंग इनटू द वेलिजर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा ही आगे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेलिजर लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। तो जनरली अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये लार्वा क्या है, वेलिजर लार्वा आर टिपिकल सर्टेन मोलस्का सच एज मैराइन स्नेल एंड बाइवॉल्विया, यानी कि जिसे हम बात करते हैं स्नेल हो गया या बाइवॉल्विया हो गया, उनमें जो जनरली प्रेजेंट होता है वो कौन सा मिलता है, वेलिजर लार्वा। वेलिजर लार्वा से पहले क्या होता है, द वेलिजर लार्वा डेवलप फ्रॉम द ट्रोकोफोर लार्वा। किससे डेवलप्ड हो रहा है, ट्रोकोफोर लार्वा ही आगे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेलिजर लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। एंड हैज अ लार्ज सीलिएटेड लोब एज अ वीलम। अब इसमें क्या हो जाता है, हमने जो प्रोटोटॉर्च और मेटाटॉर्च बात करी थी, ये दोनों ही टॉर्च जो होते हैं प्रोटोटॉर्च और मेटाटॉर्च किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, लार्ज सीलिएटेड वीलम में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे क्या हो जाएगा, वीलम फॉर्म्स फ्रॉम द क्या हो गया, सीलियरी रिंग ऑफ प्रोटोटॉर्च। तो वीलम किससे बन रहा है, प्रोटोटॉर्च ही क्या बना रहा है, आगे वीलम बनाता है। एंड वीलम इज यूज्ड फॉर द स्विमिंग फीडिंग एंड गैस एक्सचेंज। और ये वीलम क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करेगा एनिमल की फीडिंग में, गैसेज एक्सचेंज में एंड स्विमिंग में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जनरली कैसी होती है, जो ट्रोकोफोर लार्वा है उसकी जैसी ही प्रेजेंट होती है, यानी कि और एडवांस जो कंडीशन डेवलप्ड हो रही है दैट इज द वेलिजर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा फर्दर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेलिजर लार्वा में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो अगर हम बात करते हैं दैट इज द ग्लोकीडियम लार्वा। जो स्ट्रक्चर आ जाती है वो कौन सी आ जाती है, ग्लोकीडियम लार्वा है। अब ग्लोकीडियम लार्वा जो जनरली प्रेजेंट होता है वो किसमें मिल रहा है, जैसे फ्रेश वाटर मसल्स मिजल्स हो गया, जैसे पर्ल मसल्स हो गया, अगर हम बात करते हैं बाइवॉल्विया के मेंबर हो गए, जैसे यूनियो की बात कर रहे हैं, यूनियो है, या हम बात करते हैं पर्ल ऑयस्टर है, इनमें जो पाया जाता है वो कौन सा होता है, दैट इज द ग्लोकीडियम लार्वा। अब देखो जनरली अगर हम बात करते हैं अगर पाइला है तो उसमें वैसे तो डायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी कि स्नेल से स्मॉल स्नेल ही कन्वर्ट होता है, बट फिर भी कुछ में क्या मिलता है, वेलिजर लार्वा फाउंड होता है सम अदर स्पीसीज में अगर हम बात करें। अब देखो ग्लोकीडियम लार्वा में क्या होता है, इट इज अ कैसा है, ग्लोकीडियम लार्वा का मींस क्या होता है, इट इज अ पॉइंटेड ऑफ एरो। ग्लोकीडियम लार्वा कैसा होता है, जैसे एरो होता है उसका पॉइंट है, एरो से मींस क्या हुआ कि हम जो एरो बनाते हैं ये लाइन है और इसके क्या होता है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर का होता है ये। ठीक है, कैसा है, पॉइंटेड ऑफ एरो। अब इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये क्या है इसका शेल, ग्लोकीडियम लार्वा में क्या होता है, ये इसका शेल होता है और शेल जिस पॉइंट से कनेक्टेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हिंज स्नॉट बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होते हैं, इसके जो लार्वा होते हैं उसमें जो अपर साइड है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हुक्स होते हैं जिसके थ्रू ये क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है। साथ के साथ इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी ब्रिस्टल्स भी प्रेजेंट होते हैं, हुक प्रेजेंट है और साथ के साथ क्या प्रेजेंट है, सेंसरी ब्रिस्टल। अब हमने क्या बात करी कि ये बाइवॉल्विया के मेंबर्स में है, तो शेल भी कैसे होते हैं, टू वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ये टू वॉल्व है, टू वॉल्व किससे अटैच होते हैं, मेंटल से, मेंटल कैविटी हो गई, यहाँ बीच में क्या प्रेजेंट हो गई, ये हिंज स्नॉट के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं और क्या प्रेजेंट होते हैं, इनमें सेंसरी ब्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इस तरीके से स्ट्रक्चर इनमें क्या बनती है कि जो ग्लोकीडियम लार्वा है वो जनरली किसमें मिल रहा है, एक तरीके से जो
अगर हम बात करते हैं यूनियो में प्रेजेंट होता है, और अगर हम इसके साइज की बात करें तो बहुत माइन्यूट साइज का होता है, जनरली 0.1 mm से 0.4 mm तक का होता है। अब इसमें अगर हम क्या कहते हैं, जो वॉल्व होता है वो आगे की ओर जो क्या करते हैं इंक्रीज होकर क्या बनाता है, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, और ये स्पाइन ही आगे किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, हुक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं किसी सरफेस से अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब इसके साथ साथ क्या होता है, जो दोनों शेल है उसके साथ ही क्या होते हैं, दोनों ही साइड क्या बन जाती है, मेंटल लोब्यूल्स बन जाते हैं। ये शेल है, दो बाइवॉल्विया है तो दो शेल है, और दोनों की साइड ही क्या बन जाते हैं, मेंटल के दो लोब्यूल्स आपस में फॉर्म्ड हो जाते हैं, जो कि क्या करते हैं एनिमल बॉडी को कवर करते हैं। अब साथ के साथ क्या होते हैं, जो इनके मेंटल कैविटी है उसके साथ ही क्या होते हैं, इसके जो अगर हम कहें पॉइंट्स हैं या हम कहें इसके किनारों पर क्या हो जाते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या देते हैं सेंसरी ब्रिस्टल्स। ये ब्रिस्टल्स क्या होते हैं, 3 या 4 के ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो सेंसरी ब्रिस्टल क्या होंगे, 3 या 4 आपस में कनेक्टेड प्रेजेंट होते हैं। साथ के साथ इनमें क्या होते हैं, इनमें क्या प्रेजेंट होती है, मेंटल में अडक्टर मसल्स भी फॉर्म्ड हो जाती है। अडक्टर मसल्स क्या करेंगी, हमने बात करी थी कि अडक्टर प्रोटेक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल्स होती हैं, तो ये अडक्टर मसल्स क्या करती हैं, शेल को क्लोज करने या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से बॉडी को चिपकाने का हेल्प करती हैं। अब साथ ही साथ क्या होता है, इस लार्वा में क्या होते हैं, बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जिन्हें डिसिस कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हुई, इसमें ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, बिसेस प्रेजेंट होती है। क्या है ये बिसेस, लार्वा में क्या मिल रही है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, बिसेस कहते हैं। एक तरीके से क्या है ये, एक तरीके से चिपचिपा कह सकते हैं, चिपचिपा धागा होता है जो कि क्या करता है इसको अटैच करने का, किसी एनिमल बॉडी से अटैच करने का वर्क करता है। क्यों, क्योंकि जो लार्वा है ये क्या होता है, ये फिश की बॉडी पर चिपक कर यानी कि किसी एनिमल बॉडी पर एडेशन करके डेवलप्ड करता है। लार्वा क्या होता है कि किसी एनिमल बॉडी पर, स्पेशली किसकी बात करती है, फिश की बॉडी पर एडेशन करता है बाय द हेल्प ऑफ दिस बिसेस एंड देन इट कन्वर्टिंग इन टू द अडल्ट, कि बाद में ये क्या करता है अडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो एक तरीके से इसको क्या होता है कि डेवलपमेंट के लिए कोई ना कोई एनिमल रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट लार्वा से जो कि हमने बात करी, कौन कौन से, फाइलम, अगर हम एक एक करके बात करते हैं, फाइलम पॉडीफेरा में एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेन्काइम्युला लार्वा, सिलेंट्रेटा में अगर हम बात करते हैं प्लानुला लार्वा, अगर हम एनिलिडा में बात करते हैं तो एनिलिडा में क्या आता है, ट्रोकोस्फियर या ट्रोकोफोर लार्वा, मोलस्का में जनरली अगर हम बात करते हैं तो मोलस्का में भी क्या मिलता है, ट्रोकोफोर लार्वा, और वो ट्रोकोफोर लार्वा आपके किसमें कन्वर्ट होता है, वेलिजा लार्वा में। ये किसमें मिलता है, जनरली जो यूनिवॉल्विया है या कुछ वाइवॉल्विया के मेंबर है उनमें मिलता है। सम अदर मसल्स मिसल्स जिनकी अगर हम बात करते हैं उनमें जो लार्वा मिलता है दैट इज द क्लोकीडियम लार्वा। तो ये हमने कुछ लार्वा स्टेजेस के बारे में स्टडी किया है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें जो हम स्टडी करेंगे, हम फाइलम प्लेटीहेलेंटीस में लार्वा स्टेजेस के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।